हाय गाइस, कैसे हो आप सब? अभी मेरे में हेलो हेलो गुड मॉर्निंग वाला एनर्जी नहीं व्लॉग बनाने की। ना ये कोई व्लॉग है, ये बस एक वीडियो डाल रहा हूँ मैं। कि मतलब मेरे एक महीने से वीडियोस नहीं आ रहे और मेरा फर्स्ट टाइम हुआ जब मैंने एक महीना कोई वीडियो नहीं डाला, ना मेरे चैनल पे कोई स्ट्राइक लगी है, ना कुछ। पर मैं क्यों नहीं डाल रहा हूँ वीडियोस, प्लस क्या रीज़न है? तो देखो, मैं कोई चीज़ें अभी एक्सप्लेन नहीं करना चाहता कि भाई मैं बहुत गलत चीज़ों से चल रहा है, या मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, या मैं बहुत वीक पड़ चुका हूँ, ऐसा वैसे ये सारी चीज़ें मैं बोलने नहीं आया। मैं बस बताने आया था कि मैं भाई जिंदा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं बस ऐसे वीडियो स्टार्ट कर दिया कि शायद मैं आप लोग को याद तो होगा, क्योंकि एक महीने से शायद मेरे को किसी का टेक्स्ट नहीं आया। बढ़िया, कोई बात नहीं। और रही बात व्लॉग्स की, तो शायद ये मेरा कुछ नहीं जानता, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। तो या आई डोंट नो, इसके बाद शायद वीडियो आएगा ही नहीं। और कुछ चीज़ें चल रही है लाइफ में, मतलब लाइफ है तो अप डाउन आते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता। और ये कोई मेरा ऐसा वीडियो नहीं है कि भाई मैं सिंपथी लेने आया, मैं बहुत डिप्रेशन में, ऐसा कुछ नहीं है। सब बढ़िया है, लाइफ बढ़िया चल रही है, सारी चीज़ें अच्छी चल रही है। और आई होप सो आप सब अपने घर पे ठीक होंगे और सब खुश होंगे। एंड गॉड से बस वही प्रे करूँगा कि आप सब खुश रहो। मेरे जितने फैंस हैं, मेरे जितने भी सपोर्टर्स हैं, मेरे डे वन से लेके, मेरे यूट्यूब के डे वन से लेके, जो आज भी मेरे साथ है, सबके लिए मैं प्रे करूँगा। एंड काफ़ी लोग मेरे लाइफ से बिछड़ चुके, मेरे होटल के भाई लोग, तो उन लोग को भी बहुत याद कर रहे हो गाइस। अगर तुम मेरा ब्लॉग देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो मिसिंग यू गाइस। काफ़ी लोग बिछड़ गए, काफ़ी क्लोज बॉन्ड टूट गए मेरे। और चीज़ें मतलब ठीक है यार, लाइफ है तो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड कोई बात नहीं। तो मैं व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रहा, क्योंकि शायद मैं अभी मैं कोई रीजंस नहीं बताना चाहता यार, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरा मन करेगा तो मैं कभी ना कभी डाल दूंगा, या तो फिर वो कभी नहीं आ पाएगा। अब गाइस, मैं तो भूल गया था यार, कैमरा, ट्राइपॉड, ये सारी चीज़ें, ऐसा व्लॉगिंग करना, वो जो सब मेरे इंट्रो रहे थे, वो सब करना, वो सब भूल चुका था मैं। बट कोई बात नहीं। और वीडियो कब आएंगी, व्लॉग कब आएंगे, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। एंड कोशिश करूँगा कि सब जैसा पहले था वैसा हो जाए। कुछ चीज़ें जा रही है मेरे पे, एंड अभी सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। मतलब दुनिया में, मतलब जो लोग हैं मेरे आसपास, उन लोग को कभी मैं मेरा जो रियल साइड है वो नहीं दिखाता। मैं हमेशा अपना दूसरा साइड दिखाता हूँ जिसमें मेरी रियलिटी नहीं रहती। तो काफ़ी सारी चीज़ें देखा हूँ लाइफ में, एंड काफ़ी सारी चीज़ों से सीख रहा हूँ। मेरे जैसा लड़का जो कभी झुकता नहीं था, आज लोगों को सॉरी सॉरी सब बोलने को तैयार हो जाता। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जैसा मेरे लाइफ में करना है करो, जो मेरे लाइफ में रहना चाहते थे वो रह लिए, और जो नहीं रहना चाहते थे वो चले गए। और मैं कोई यहाँ पे सिंपथी मांगने नहीं आया यार, ऐसा व्लॉग नहीं बना, ऐसा वीडियो नहीं डल साउंड कर रहा। तो या गाइज, कोशिश करूँगा कि मैं वीडियोस डाल पाऊँ, कोशिश करूँगा कि चीज़ें ठीक हो जाए। हालांकि चीज़ें ठीक नहीं चल रही, बट स्टिल। और या इतना मेरे को इस वीडियो के पहले जो आप लोग ने प्यार दिए, जितनी मेरी यूट्यूब जर्नी थी उसमें इतना मेरे को प्यार दिए, जो मेरे सपने थे यूट्यूब पे कंप्लीट करने के वो किए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को नहीं पता था मेरा Q&A वीडियो जो लास्ट इतना धमाकेदार मैंने डाला था, उसके बाद मेरे को ऐसा वीडियो डालना पड़ेगा एक महीने बाद। पर या मैंने लोगों की एक चीज़ नोटिस किया हो, जब मेरा ग्रोथ चल रहा था ना, ग्रोथ वाला पीरियड, तो बहुत सारे लोगों के मेरे को DMs आते थे, मैसेजेस आते थे कि अरे वाह सम्यक भाई, ऐसा वैसा। पर आज जब मैंने सारी चीज़ें, मतलब खुद से ही एक टाइप से मैंने अपना नुकसान किया हो, अपनी चीज़ें हटाया हो, मतलब जो भी था, तो आज रियलाइज़ होता कि साथ में कोई खड़ा नहीं रहता करके। जब मेरे 1K हुए थे, बाप रे, लोगों के कॉन्ग्रेचुलेशन से लेके ये वो, तो लाइफ में एक चीज़ सीखने मिली कि जब
सब दुनिया रहती ना तुम्हारे साथ तो सारे लोग तुम्हारे पीछे भागते, पर जब तुम्हारा वो डेड एंड आता है, जब तुमको लोगों की ज़रूरत रहती तो कोई खड़ा नहीं रहता। दैट्स इट, यही लाइफ का मोटो है। और अभी फ़िलहाल मैं कुछ काम कर रहा हूँ, नॉट रिलेटेड टू यूट्यूब, कॉलेज में दूसरे जगह एक जगह काम करता हूँ वहाँ से, मतलब ऐसी कोई मेरी कोई ये नहीं आई कि मेरे को काम करने की ज़रूरत है, बट करता हूँ मैं कहीं ना कहीं पे, अपने आप को बिजी रखने के लिए, अपना शेड्यूल सही रखने के लिए एक जगह मैं काम कर रहा हूँ। और या चीज़ें सीखने को मिल रही, हालांकि मैं ब्लैंक हूँ भाई, मेरे पास कुछ बोलने को ही नहीं है। तो मैं वही बोलूँगा कि अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वीडियो डाल पाऊँगा, वरना शायद मैं वीडियो नहीं डालूँगा। और थैंक्स टू यू इतना ज़्यादा मेरे को यूट्यूब पे बनाए रखने के लिए, एंड शायद ये मेरा लास्ट वीडियो भी हो सकता है, या फिर इसके बाद लगातार वीडियो भी डाल सकता हूँ, कुछ भरोसा नहीं है मेरा, या फिर यूट्यूब शायद मैं चैनल डिलीट कर दूँ। तो या गाइस, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का अभी तक के। अगर आगे मेरे से हिम्मत हुई तो मैं ज़रूर वीडियोस डालूँगा, और अगर आपके दिल में एक छोटा सा भी मेरे लिए इतनी सी भी कुछ होंगी तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना, मेरे को इंस्टा पे मैसेज, मैंने इंस्टा की अपना मैसेज देखना छोड़ दियो, तो इंस्टा पे मैसेज करके ये मत करना। मैं यूट्यूब स्टूडियो देखता हूँ, क्योंकि यूट्यूब स्टूडियो मेरे को, यूट्यूब का वो जो स्टूडियो इससे बहुत प्यार है, क्योंकि पहले जब मेरे को लोगों के कमेंट्स भी आते तो मैं बड़ा खुश हो जाता था कि भाई क्या सही। तो अगर आपका मन करे तो यूट्यूब पे ही कमेंट कर देना है वीडियो पे, मैं कोई रीच या फिर कोई ये नहीं मांग रहा, क्योंकि ये कोई मेरा बड़ा वीडियो नहीं है, मैं बस आप लोग का एक रिव्यू मांग रहा। कमेंट में जाते जाते कुछ बोल देना एंड थोड़ी मोटिवेशन दे देना कि शायद मैं अगली बार से वीडियो डाल पाऊँ, और अगर कमेंट नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, वैसे भी आते थे नहीं आते तो बाकी दैट्स इट। होप कि मैं इसके बाद कोई वीडियो डाल पाऊँ, और थैंक यू सो मच अगर यहाँ तक कि आपने देखी है, या मेरा ये सैड तो नहीं बट मेरा अगर ये वाला 7 मिनट का वीडियो भी देख लिया तो बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।